नमस्कार, आज हम देखेंगे कि खेल खेल में कैसे हम संख्याओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें ऑड और इवन नंबर्स के रूप में बांट सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक छोटा सा बॉक्स लिया है जिसके हमने दो पार्टीशंस बनाई हैं। यहाँ पर है इवन नंबर यानी कि जिस्त संख्या, जिसे कि हिंदी में सम संख्याएं भी कहते हैं, और यह है ऑड नंबर जिसे कि पंजाबी में टांक संख्या और हिंदी में विषम संख्याएं कहा जाता है। वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में आ जाती हैं या दो से भाग हो जाती हैं उन्हें इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं कहा जाता है, और जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। इसका अभ्यास करने के लिए हमने कुछ पेपर स्लिप्स बनाई हैं। बच्चों के लिए खेल खेल में बच्चे एक पेपर स्लिप उठाएंगे, इस पर दी गई संख्या को पढ़ेंगे। जैसा कि जो पर्ची मेरे हाथ में है इस पे संख्या लिखी है 11, क्योंकि 11 दो से विभाजित नहीं होता तो इसे हम ऑड नंबर्स वाले खाने में डाल देंगे। दूसरी संख्या बच्चा उठाएगा, इस पर संख्या लिखी है 98, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 8 है जो कि 2 से विभाजित हो जाता है। इसका अर्थ है कि 98 भी 2 से विभाजित होगा, अर्थात यह सम संख्या है तो इसे सम संख्या वाले खाने में डाल देंगे। इस प्रकार से बच्चा इन पर्चियों की मदद से खेलेगा और खेल खेल में ही सम संख्याओं और विषम संख्याओं को अलग अलग करना सीख लेगा। आम तौर पर हम देखते हैं कि बच्चे बड़ी कक्षाओं में भी हो जाते हैं लेकिन उन्हें सम और विषम संख्याओं का ज्ञान नहीं होता। आशा करते हैं एक छोटा सा खेल खेलकर बच्चे सम और विषम संख्याओं को अच्छे से सीख पाएंगे। थैंक यू।